नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, एक जरूरी मैसेज है, आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। साथियों, अभी जो 23 फरवरी 2020 का जो भारत बंद आंदोलन है उसके विषय में है। साथियों, आपको पता है कि आज अभी इस समय से हमारे समाज के बच्चों के, युवाओं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि पेपर चल रहे हैं, और वे लोग पेपरों की तैयारी करें या रोड पर आए ये बता दीजिए। सर, मैं खास करके अपने समाज के युवाओं से कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि हाथों में डंडे लेकर रोड पर चले, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारे लिए हथियार है, और शिक्षा से अगर हम लोग वंचित होगी तो समाज में कभी भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं अपने बहुजन समाज के सभी युवाओं से खास करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साथियों, कल का जो आंदोलन होने जा रहा है 20 फरवरी का, ये एक सिर्फ RSS का एक षड्यंत्र है, ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख ना सके और उन्हें शिक्षा से वंचित करने के लिए। तो मैं सभी अपने तमाम बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन से दूर रहे, क्योंकि एक प्री प्लान आंदोलन किया गया है जिससे कि समाज के बच्चों का भविष्य खराब करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और RSS और भाजपा भगवतारी सरकार यही चाहती है। तो मैं अपने समाज के युवाओं से स्पेशली हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कोई भी साथी रोड पर हाथों में डंडे वगैरह लेकर न जाए, अपनी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि आप लोगों के पेपर है और पेपर आने वाले हैं, अपना भविष्य ना खराब करें। किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने पर आप लोग रोड पर आ जाते हो, इस तरीके का कोई ऐसा दुर्घटना ऐसी वारदात को अंजाम ना दे जिससे आपके भविष्य तो खराब होगा ही होगा, साथ में आपके परिवार का भी नाम गंदा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन समय ये है कि इस टाइम पेपर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के समय ही इन लोगों ने एक प्लान बनाया है, क्योंकि सबको बताया कि फरवरी और मार्च में हमारे समाज के बच्चों के पेपर शुरू हो जाते हैं, तो इसी वजह से उन पेपरों से वंचित करने के लिए इन लोगों ने एक प्री प्लान बनाया। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस प्रकार को कोई आपत्तिजनक वो ना करें, उपद्रव ना करें, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचाएं सभी के पास, ताकि जो हमारे समाज के बच्चे आवेश में आकर कोई गलत कदम उठा देते हैं वो कदम ना उठाएं और सिर्फ और शिक्षा पर ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।